कैसे हैं आप सभी। सखी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी रेसिपी गुलकंद बनाना सिखा रही हूँ। ये जो पान में जो अंदर लगता है, गुलकंद की मिठाइयाँ भी तैयार होती हैं, तो इसके फायदे मैं वीडियो के अंत में बताऊँगी इसके क्या क्या फायदे हैं। तो आइए शुरू करते हैं गुलकंद बनाना। ये मैंने 100 ग्राम गुलाब की पत्तियाँ ली हैं और ये मेरे 100 ग्राम ही चीनी ली है। जितनी गुलाब की पत्तियाँ उतनी ही चीनी इसमें लगती है। और ये मेरे पास रोज एसेंस है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। ये मेरे गुलाब के फूल हैं, इसमें पत्तियों को तोड़कर अलग कर लेना है। आप देख सकते हैं इसका जो अंदर का जो पीला पीला भाग होता है और जो नीचे हरा डंठल होता है वो हमें नहीं लेना है, क्योंकि इसमें कड़वाहट होती है। दोबारा दिखा देती हूँ। इसमें गुलाब के फूल में अंदर काला काला सा हिस्सा निकलता है, वो हमें नहीं चाहिए। सिर्फ गुलाब की पत्तियां निकालनी है। ये गुलाब की पत्तियों को मैंने 3-4 पानी से धो के खूब साफ कर लिया है। आइए इसे किचन टॉवल पर फैला देते हैं। गुलाब की पत्तियों को एक कॉटन की तौलिए पर पलहरा कर दिया, जिससे इसका पानी इसमें सूख जाए। इसमें अगर पानी होगा, मॉइस्चर होगा, तो आगे खराब होने का डर रहता। तो तौलिए से पोंछ लेते हैं। सारी पंखुड़ियों को एक बाउल में डालते हैं। चीनी डालेंगे। हाथों की सहायता से चीनी और गुलाब की पत्तियों को, ये सारी चीनी मैं डाल देती हूँ, उतनी चीनी लग जाएगी। जितनी गुलाब की पंखुड़ियाँ उतनी ही चीनी हमने दी है। गुलाब की पंखुड़ियों को और चीनियों को मसलते हुए से हाथ से अच्छी तरह से करेंगे। आइए इसको एक बोट में भर लेते हैं। इसमें एक ढक्कन गुलाब जल और डालेंगे। वैसे तो गुलाब के पत्तियों की खुशबू अपने आप में ही अच्छी होती है, लेकिन इसे थोड़ा और अच्छा फ्लेवर देने के लिए एक ढक्कन इसमें गुलाब जल का डालते हैं। और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ये मेरे पास मैंने कांच का एक कंटेनर लिया है, इसको मैंने गर्म पानी से धोकर और धूप में सुखा दिया था, स्टेरिलाइज कर लिया था। आप कोई भी जैम या
स्क्वायर बनाते हैं तो पहले स्टेरिलाइज जरूर कीजिए, उसके बाद ही इसमें भरिए। हमारा गुलकंद बनके तैयार है। अब इसको हम 15 से 20 दिन तक तेज धूप में रखेंगे, तब ये बनकर तैयार होगा। 15 से 20 दिन धूप लगाने के बाद देखिए ये गुलकंद बनकर तैयार है। देखिए दिखा सकती हूँ मैं आपको इसका कलर और कितना अच्छा आया है इसमें। देखिए देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा है फ्रेंड्स। ये मेरा गुलकंद बनकर बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसमें। आप गुलकंद बनाकर रखिए, आगे आने वाली वीडियो में गुलकंद से बनने वाली मिठाई शेयर करूंगी। और गुलकंद के दिमाग के लिए बहुत ही फायदेमंद है, आप बच्चों को 1 चम्मच रात को खाने के बाद दीजिए तो बच्चों का पेट बिल्कुल साफ रहता है, दिमाग को ताकत देता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। धन्यवाद।